अमेज़ोन 5 TV स्टिक, इसमें हम मोबाइल स्क्रीन कास्ट कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मोबाइल का स्क्रीन भी हम इसमें कास्ट कर सकते हैं, तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मिरिंग करने के लिए ये अमेज़ोन 5 स्टिक का ये रिमोट आ गया, इसको हम क्या करेंगे, ये होम वाला बटन को प्रेस करेंगे, ये होम वाला बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये देखिए ये ऑप्शन आ गया, ये प्रोफाइल ऐप स्लीप और ये देखिए मिररिंग, इस पर हम लाएंगे, जैसे कि इस पर हम ला के हम ओके करेंगे रिमोट से, ये बीच वाले बटन को हम प्रेस करेंगे, ये इस पर ला के हम ओके करेंगे, ये आ गया डिस्प्ले मिररिंग, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया डिस्प्ले मिरर आ गया। तो इससे हम स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, ये स्मार्ट व्यू है, स्मार्ट व्यू को हम ओपन करेंगे, ये देखें स्मार्ट व्यू को ओपन करते ही यहाँ पे आ गया मिरर 5 TV स्टिक, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे और ये देखें यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया स्टार्ट न्यू, इसको हम ओपन करेंगे और ये देखिए आप ये 5 TV स्टिक मोबाइल स्क्रीन से भी चलेगा, अब मोबाइल स्क्रीन इस पर आ जाएगा अभी आपके सामने, मैं आप करके दिखाता हूँ, ये देखिए मोबाइल स्क्रीन इसका आ गया, जैसे कि हम इसमें अब कुछ भी हम सर्च करेंगे ये सारा आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इसका मिररिंग कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन को टीवी स्क्रीन बना सकते हैं। तो ये 5 TV स्टिक जो है इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप उसको चला सकते हैं। देखिए आप गाने सुनेंगे जो भी इसमें हम सर्च करेंगे वो सारा कुछ इसमें हम बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं इस तरह से। ये देखें बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये, 5 TV स्टिक से हम स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं और चला सकते हैं। देखें अभी हम मोबाइल में कोई डाटा केबल वगैरह कुछ नहीं लगाए, देखें आपके सामने इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसमें हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इससे भी चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।